गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कक्षा 8 की एक्सरसाइज 2.4 चल रही है और उसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। ए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स द अनदर नंबर। इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। व्हाट आर द नंबर्स? इनकी ए पॉजिटिव नंबर्स इज 5 टाइम्स द अनदर नंबर। इनकी एक दो संख्याएं हैं, उसमें एक संख्या दूसरे की 5 गुनी है। इनकी अगर एक संख्या एक है तो दूसरी कितनी होगी? 5। अगर एक दो है तो दूसरी 10, 5 गुनी, ठीक है। फिर प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, इनकी पहली में भी दूसरी में दोनों संख्याओं में कितनी जोड़ देते हैं? 21। पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी हो जाती है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो भाई दो संख्याएं माननी है तो लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल टू एक्स, माना पहली संख्या कितनी है? एक्स। अब दूसरी दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी, तो दूसरी कितनी हो जाएगी? 5। सो सेकेंड नंबर 5 गुनी यानी 5x। अगर पहली संख्या x मानते हो तो दूसरी कितनी हो जाएगी? 5x, उसकी 5 टाइम। अतः दूसरी संख्या बराबर 5x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, भाई पहली संख्या है x, दूसरी संख्या है 5x, दोनों में 21 जोड़ दिया, इसमें भी 21 जोड़ दिया और इसमें भी 21 जोड़ दिया, जोड़ने पर पहली संख्या दूसरे की 2 गुनी हो जाती है, इनकी 2 टाइम्स हो जाती है। तो 2 टाइम्स ये हो गई, 2 टाइम्स। ध्यान दो, मल्टीप्लाई करते हैं। एक बात आप शॉर्ट ट्रिक याद रखना, जब भी कोई ऐड करें या मल्टीप्लाई करें तो छोटी संख्या आप क्या करो, और डिवाइड या सब्ट्रैक्ट करवाए तो बड़ी संख्या। देखिए ये x थी, ये 5x, इन दोनों छोटी कौन सी है? ये वाली है। और 2 टाइम्स करवा रहे हैं तो इसी को ही हम 2 टाइम्स करें, यही ध्यान रखा करो। अगर डिवाइड वाई करवाता तो मैं इसी करता। डिवाइड और सब्ट्रैक्ट बड़ी से करते हैं, मल्टीप्लाई और ऐड छोटी संख्याओं में करते हैं। तो दोनों संख्याओं में 21 जोड़ने पर ये कैसी होगी? 2 टाइम्स। देखते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करें, 2x प्लस 21 दूनी 42 इक्वल टू 5x प्लस 21। आप ऐसा करो, इस 2x को इधर भेज दो, 21 को इधर ले आओ, यानी 42, ये इधर आया तो माइनस का 21, ये 5x और ये उधर गया तो माइनस का 2x। 21 में से 42 में से 21 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 21 इक्वल टू 5 माइनस 2 इक्वल टू 3x एंड x इक्वल टू 21 बाय 3, तो x इक्वल टू 7। सो फर्स्ट नंबर कितना था? x, जो कि कितना आ गया? 7। आते हैं पहली संख्या और सेकेंड नंबर 5x, इनकी 5 × 7 = 35। दूसरी संख्या 35 और पहली संख्या 7, तो संख्या होगी 7 और 35। क्या हो गया बेटा?